नमस्कार। तो स्वागत है प्रकाश मॉडल स्कूल पीलीभीतंगा की ऑनलाइन क्लास में। अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो हमें दिया है सर्व गुणों। कुछ घातों में अपने को संख्याएं दी हैं गुणनफल के रूप में, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया था। जो हमने आंसर निकाला वो आंसर तरह से अपने को दिया हुआ है और उसको अपने उसका मान निकालना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अपने ये क्वेश्चन दिया है, अपने को दिया है 2 × 10³। 2 × 10³ पहला क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इसको पावर को हम हटाएंगे और लिखेंगे कितनी बार आएगा और बाद में उसको गुणा करके उसका मान निकालेंगे। 2 × 10 × 10 × मतलब कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। देखो 10³ है तो इसको हमने कितनी बार लिख लिया, 3 बार लिख लिया। अब बस हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो गुणा चाहे हम कैसे भी कर लें, चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, गुणा कैसे भी करो उत्तर वही आएगा। तो 10 × 10 = 100। 100 को फिर 10 से गुणा किया, अपने को पता 1000 आएगा, और 1000 को फिर 2 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2000 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2000 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बी है, बी में दिया है 7² और 2² यहाँ पे देखो 7 को कितनी बार लिखेंगे, 7 को लिखेंगे हम 2 बार। फिर 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 को भी 2 बार। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। देखो 7 को 7 से किया, 49 होते हैं, कितना हो गया, 49 हो गया। फिर 49 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 49 को 2 से कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। ठीक है, अब 98 आ गया, 98 को फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो देखो 6 और 19 मतलब 196 आ जाएगा। तो इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब इसका सी करते हैं। सी में 2³ × 5 है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अपने को डायरेक्ट अपने गुणा ही करने हैं। यहाँ पे 2 को कितनी बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे। 2 को 3 बार लिखा क्योंकि पावर कितनी है, 3 है। फिर गुणा में क्या है, 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4² = 8। इस प्रकार 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को फिर 5 से करेंगे, 8 × 5 = 40 होते हैं, कितने होते हैं, 40। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 40 अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप गुणा कर लोगे। ठीक है, अब है डी। डी में अपने को दिया है 3 × 4 की पावर 4। तो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, 3 × 4 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिख लेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे। 4 × 16, 16 × 64, 64 को फिर 4 से करेंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर लो। डायरेक्ट आपको नहीं आता तो क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 64 को 4 से गुणा किया, 16 और 100 ये हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 यहाँ तक हो गया। देखो 4 × 16, 16 × 64, 64 को 4 से किया 256, 256 को फिर किससे करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। तो 6 × 3 = 18, 1 × 5 = 15 और 1 = 16, 1 × 3 = 6 और 1 = 7, कितना हो गया, 768, 768 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं ई वाला क्वेश्चन। तो ई में देखो अपने को दिया है 0 × 10 की पावर 2। तो लिखेंगे 0 × 10 × 10। तो इसमें तो अपने को पता है कि यदि कोई भी संख्या जीरो, किसी भी संख्या गुणा में जीरो हो तो उसका आंसर भी कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो से हम किसी को भी गुणा कर लें, ए बी सी डी अनंत तक कोई भी संख्या ले लें, किसी भी संख्या के यदि गुणा में जीरो है इसका उत्तर हमें क्या लिखना है, जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब करते हैं F4।
एक्स में देखो अपने को दिया है 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, तो 5 गुणा 5 और 3 को मैं कितनी बार लिख लूंगा, 3 बार लिख लूंगा। अब देखो इनको गुणा करेंगे, 5 5 25 25 3 75, 75 को फिर 3 से, फिर उसको 3 से। अब देखो दूसरा एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ कि 5 5 25 25 3 75 होते हैं, ये अपने को पता है। अब यहाँ पे केवल 2 ही बचे, यदि हम दोनों को अलग अलग गुणा कर लें तो भी आंसर ठीक आएगा। अब यदि अपने को पता है कि ये 3 को 3 से गुणा करें तो कितना होता है, 9 होता है। तो यदि हम इसको, यहाँ तक 75 था, इन दोनों का कितना हो गया, 9 हो गया, तो 75 को 9 से गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे 9 5 45, 4 9 9 77 और ये 67, तो ये आ जाएगा 675, अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है जी वाला क्वेश्चन, तो जी में देखो अपने को दिया है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 2 की पावर 4 है तो 4 बार लिखा, 3 की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 16 3 48 और 48 को फिर 3 से गुणा कर लेंगे। ये ऐसे ही कर लो, 3 3 9 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72 और फिर आगे 72 को 2 से, कितना आ जाएगा, 144। इस प्रकार अपने क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। डायरेक्ट नहीं पता, जैसे देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 किया 48, ठीक है। अब केवल 3 बचा तो 3 से गुणा कर लो, 8 3 24 और 2 4 3 12 और 2 14, इस प्रकार, ठीक है। उत्तर कैसे भी कर लो, आंसर अपना वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। एक लास्ट और बच गया आई वाला क्वेश्चन, यहाँ कर लेते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 4 है, तो 3 गुणा 3, 10 को कितनी बार लिखेंगे, 4। अब इसमें देखो यदि कोई संख्या 0 वाली संख्या, मतलब 10 है, मान लो 10 100 या 1000 कुछ भी हो, तो गुणा में देखो कैसे आएगा। हम 0 को छोड़ दो एक बार, 1 को गुणा करते हैं, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, 1 ही रहेगा ये। तो अब 0 कितनी है, 1 2 3 4, तो आगे क्या लग जाएगी, 4 0 लग जाएंगी डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से गुणा करते हैं, 3 3 9 9 1 9 9 1 9, तो ये कितना रहेगा, 9 रहेगा। अब 0 कितनी बचगी, 4 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।